हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो घर के कामकाज करने में बहुत ही सर्वोत्तम थी। मोनिका को लाल रंग बेहद पसंद था, जिसके चलते वो हमेशा ही लाल रंग के सूट पहना करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी नम्रता और पापा सुखबीर थे। ऐसे ही एक दिन मोनिका बन ठन के अपने कॉलेज गई थी, जहां उसकी दोस्त रश्मि और नंदिनी उसे देखकर बोलती है, अरे अरे देखो आ गई लल्ली। यार मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है ना कि मुझे ये लल्ली मत बोला करो। अरे एक बार क्या, हम तो हजार बार बोलेंगे लल्ली लल्ली लल्ली। हा हा हा। हमारी प्यारी लल्ली, लाल लाल लल्ली। मोनिका गुस्से से अपनी दोनों सहेलियों को मुक्के मारना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद वो सभी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन जब वो मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है, तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसका लाल दुपट्टा उसके कंधे से उड़ जाता है और पास ही खड़े एक राघव नाम के लड़के के चेहरे पर जा गिरता है। मोनिका उसके पास जाकर बोलती है, जी सुनिए, मेरा दुपट्टा हवा से उड़कर आपके पास आ गया है, प्लीज वापस दे दीजिए। ओह तो ये आपका है, ये लीजिए। वैसे लगता है आपके दुपट्टे को मैं पसंद आ गया, इसीलिए मेरे पास आ गया ये। मोनिका राघव का चेहरा और उसकी स्माइल देखकर उसमें खो जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। राघव उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बोलता है, अरे मिस ये क्या हुआ आपको, हेलो, अरे लगता है बेहोश हो गई गर्मी से। राघव उसे अपने बाहों में उठाकर कार में बिठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अपने बेटे की बाहों में यूं अनजान लड़की को बेहोश देखकर राघव की माँ माधुरी बोलती है, बेटा ये लड़की कौन है, क्या हुआ इसे और तुझे कहाँ मिली? माँ ये लड़की मेरे सामने बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया, मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं बेटा, मदद करनी तो अच्छी बात होती है, चल तू इसे आराम करने दे थोड़ी देर। जी माँ, मैं इसके लिए जूस ले आता हूँ, शायद तब तक ये होश में आ जाए। माधुरी मोनिका को बेहोश देखकर मन ही मन सोचती है, कितनी प्यारी लड़की है ये, इसका रंग इसका रूप इसका कद काठी सब कितना प्यारा है, ऐसी लड़की तो मेरे बेटे के लिए होनी चाहिए। तभी मोनिका होश में आती है और खुद को अनजान जगह पर देखकर कहती है, ये मैं कहाँ आ गई और आप कौन है आंटी जी, मैं यहाँ कैसे आई? अरे बेटा तू बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है, तू बेहोश हो गई थी तो मेरा बेटा तुझे यहाँ उठा के ले आया। शुक्रिया आंटी जी, लेकिन अभी मुझे चलना होगा, और आपका बेटा कहाँ है, मैं एक बार उनको भी शुक्रिया बोल दूँ। तभी वहाँ हाथों में जूस का गिलास लिए राघव आ जाता है, जिसे देखकर मोनिका के दिल में फिर से तितलियाँ उड़ने लगती है। लो आ गया मेरा बेटा राघव, जिसने तुम्हारी मदद की थी। हेलो मैं मोनिका, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई नहीं, ये तो मेरी माँ के संस्कार हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया है सबकी मदद करना। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, जूस तो पी लीजिए। माधुरी मोनिका और राघव को बातें करता देखती रहती है और मन ही मन मोनिका को अपने घर की बहू बनाने का फैसला ले लेती है। वो उसे परखने के लिए कमर में दर्द का नाटक भी करती है और बोलती है, आह मेरी कमर, आए मैं तो मर गई, अब काम कैसे करूं, फिर से दर्द उठ गया मुझे। अरे आंटी जी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा क्या करूं, अब उम्र हो गई है मेरी तो कमर में दर्द रहता है अक्सर, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने, बड़ी भूख लग रही है। रुकिए माँ, मैं अभी बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं राघव रुकिए ना, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। आंटी जी आप मुझे बताइए रसोई कहाँ है। इतने में माधुरी बहुत खुश हो जाती है और राघव उसे रसोई तक ले जाता है। कुछ देर बाद वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब मोनिका बोलती है, ओ
ओके, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा मोनिका, रुक जरा। जी आंटी जी। ये ले बेटा तेरा शगुन, खाना तूने बहुत बढ़िया बनाया था। अरे अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे लाडो, आशीर्वाद समझ के रख ले। राघव उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो रास्ते में वो बातें करते करते बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, मोनिका और राघव एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के घर वाले खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही समय बाद राघव और मोनिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद मोनिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी लाल रंग पहनने की चाहत अब भी यूं ही कायम रहती है। अब वो हर दिन लाल रंग की साड़ी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन माधुरी उससे बोलती है, अरे बहू, तू रोज रोज एक ही कलर का सूट क्यों पहनती है? वो माझी, मुझे लाल रंग जरूरत से ज्यादा ही पसंद है। एक सुहागन के लिए लाल रंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ियाँ, लाल मेहंदी का रंग, लाल सुहाग का जोड़ा, सब कुछ लाल ही लाल है। कितना शुभ होता है ये लाल रंग। अच्छा चल ठीक है, मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लेना है। दोनों सास बहू बाजार आ जाती है और वहाँ सामान खरीद रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर एक आवारा बैल आ जाता है और पूरी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। जैसे ही बैल की नजर मोनिका पर जाती है, वो उसकी लाल साड़ी देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है और घूरता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखकर मोनिका बिल्कुल सहम जाती है। माजी, वो बैल इधर ही आ रहा है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। रम 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 रम, अरे कोई तो बचा लो। रम 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 रम। तभी बैल उनकी तरफ आता है और दोनों भागने लगती है और अचानक मोनिका का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और जैसे ही बैल उस पर वार करने लगता है, तभी वहाँ राघव आ जाता है और बैल के सींग पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करता है और बैल का मालिक भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बैल को काबू करते हैं। राघव अपनी माँ और अपनी पत्नी को वापस घर ले जाता है। तभी मोनिका बोलती है, सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरे इस लाल रंग की वजह से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। राघव आप भी, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं तो खुद को कभी माफी नहीं कर पाती। नहीं मोनिका, सिर्फ माफी नहीं, वादा करो आज के बाद तुम हर दिन रंग बदल बदल कर सूट पहना करोगी। नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी लाल रंग नहीं पहनूंगी, सिवाय करवा चौथ के। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मोनिका अपनी अलमारी से सारे लाल कलर के सूट निकाल कर किसी और को दे देती है और रंग बिरंगे सूट और साड़ियां पहनना शुरू कर देती है। और अलग अलग रंग के कपड़ों को देखकर राघव और उसकी माँ माधुरी भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लाल सूट वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे ऐसे लाल परी बनकर रहना बहुत ही ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।